हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्राम एकेडमी। दिस इज़ इंद्रजीत हेयर और आज हम बात करेंगे कि हमारी कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, बेसिकली हमने फर्स्ट वीडियो में देख लिया था हमारा कंप्यूटर क्या होता है, लेकिन अगर आप वैसे ही लिख के आएंगे, यूनिवर्स में लिख के आएंगे अपनी कॉपी में, आंसर शीट में, एग्ज़ाम में, तो आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि यही हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की परंपरा है, जिसे बोलते हैं कि अगर आप अच्छे अच्छे वर्ड्स में लिख के आते हैं ना प्रॉपरली कि इसकी कंप्यूटर का मतलब क्या है, ठीक है, तो वो मार्क्स नहीं देंगे। मार्क्स आपको तभी दिए जाते हैं जब आप अपने डेफिनेशन में भारी भारी वर्ड्स जैसे अभिलक्षण, तार्किक, गणना, ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, तभी आपको मार्क्स दिए जाते हैं, है ना। तो फिलहाल हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, तो देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, सो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। यस, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करके जो हमसे इनपुट लेता है एज अ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, और उनका विश्लेषण करता है और फिर उन्हें एनालाइज करता है, ठीक है, तथा आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप में आउटपुट साधन के जरिए उत्पन्न करता है। फिर हमें जो भी हमारे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें शो करता है। आउटपुट साधन का मतलब है यहाँ पे मॉनिटर, हमारे कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है, के जरिए हमें बता देता है। यह डेटा को भंडारण भी करता है, यानी मतलब क्या है कि हमारे डेटा को स्टोर भी करता है, जैसे इसकी मेमोरी में हम लोग अपनी ऑडियो वीडियोज़ वगैरह सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसकी काम करने की गति बहुत तेज होती है, सबको पता है कंप्यूटर फास्ट होता है, एंड यह त्रुटि रहित कार्य करता है। त्रुटि रहित का मतलब है कि यह बिना किसी गलती के कार्य करता है, एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसकी डेफिनेशन क्या दे रखी है, ठीक है, तो मैंने इसे ट्रांसलेट किया है गूगल ट्रांसलेटर के जरिए। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये एक ऑटोमेटिक मशीन है जो अनेक प्रकार के तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग होता है। अनेक प्रकार मतलब बहुत सारी तर्कपूर्ण, मतलब जैसे कैलकुलेशंस, हार्ड कैलकुलेशंस, जिसमें थोड़ी सी ज़्यादा कैलकुलेशन होती है जो हमारा ह्यूमन माइंड नहीं कर पाता है, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज इनफ। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।